नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे आज आपको बताने वाले हैं पेटीएम से जो आप रेंट पेमेंट करते हो, आपका पेमेंट फेल्ड हो गया, डिक्लाइन हो गया, पैसा तुरंत कार्ड से कट जाता है, वो रिफंड कार्ड में कब तक शो करता है, गलती किसकी है, पेटीएम का या बैंक का। चलिए हम आपको बताते हैं, संडे सैटरडे अगर पड़ता है तो काउंटिंग होता है कि नहीं होता है, एकदम पूरी जानकारी बताएंगे। इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत डिटेल्स में बताने वाले हैं, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्रेडिट ऐप या पेटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं, दोनों का नियम अलग अलग है। जो पेटीएम है, अगर आपका ट्रांजेक्शन आप रेंट पेमेंट से करके पैसा बैंक में ले रहे हो, अगर सर्वर प्रॉब्लम या किसी वजह से अगर आपका पेमेंट डिक्लाइन होता है, तो तुरंत ही वो आपका पैसा अगर कट गया तो पेटीएम का जो सिस्टम है ऑटोमेटिक उसे रिफंड प्रोसेस कर देता है आपके बैंक को। अब यहाँ पे रिफंड प्रोसेस करने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर वो आपके कार्ड में पैसा रिफ्लेक्ट कर जाता है, पेटीएम बोलता है। बट यहाँ पे अब बैंक की बातें आती है, कभी कभी वो पैसा आपके बैंक को पेटीएम ने भेज दिया, अब बैंक ने उस अमाउंट को सेटल ही नहीं किया, जो बैंक थे वो अमाउंट को सेटल नहीं किया, सब काम ऑटोमेटिक होता है, सेटल नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप परेशान होते हो, पेटीएम को चैट करते हो, पेटीएम बोलता है पैसा हमने यहाँ से भेज दिया है, बैंक बोलता है पैसा आया नहीं, इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए अगर आपके संग होता है तो पेटीएम आपको एक रेफरेंस नंबर, एक ट्रांजेक्शन आईडी देगा, उसको लेके आपको बैंक को मेल करना है, बैंक को मेल करके आपको बताना है कि आप इसको वेरीफाइड कीजिए, पेटीएम ने दिया है क्या, सही है क्या, गलत है, वहां से अपडेट आएगा और आपका पैसा जो है वो सेटल कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ बैंकें ऐसी होती हैं जो आपका रिफंड तो मर्चेंट कर देता है, इनको पैसा मिलता है, बट कभी कभी इनका सिस्टम अगर ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं किया, किसी कारण बस अगर रुक गया पेमेंट, तो वो लोग जल्दी उस पे निगाह नहीं डालते हैं, जब तक कंप्लेन ना करो पैसा सेटलमेंट नहीं करते, टाइमिंग लगा देते हैं, क्या पता कि बिल जनरेट हो गया, आपको पैसा पे भी करना पड़ा, अब वो पैसा आया या तो नेक्स्ट बिल में आप उसे माइनस करवाओ, एडजस्ट करवाओ, या तो आप उसे एड मनी के पैसा निकालो, उसका चार्ज अलग से पे करो, तो ये लफड़ा क्रेडिट कार्ड में चलता रहता है। बट ये सब कार्ड में आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि आईसीआईसी बैंक में आपको ये दिक्कत ना के बराबर देखने को मिलेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरा काफी हद तक इनके संग रिव्यू रहा, मैंने देखा भी बहुत सारे केस में। एचडीएफसी बैंक में अगर आपके संग होता है, मेल करोगे तो बहुत बढ़िया आपको रिस्पांस देते हैं, मेल पे दिक्कत नहीं होता और सपोर्ट भी करते हैं, भाई देखो मेरे संग हुआ था, मैंने खुद करवाया था। बाकी और बैंकें हैं, कोटक भी आपका सपोर्ट करता है, दो तीन बैंकें हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, हो सकता है किसी के पास क्रेडिट कार्ड हो उन्हें बुरा लग जाए कि भाई ये तो मेरे बैंक क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं। तो आपको मैं सिर्फ तरीका बता सकता हूं कि अगर आपका पेमेंट फेल्ड होता है या आपका डिक्लाइन होता है, तो रिफंड होने के लिए 24 से 48 घंटा आपको वेट करना है, संडे सैटरडे काउंटिंग नहीं होगा, इसके बाद अगर टाइमिंग लगता है और, तो आपको जो मैंने ट्रिक बताया उसे आपको फॉलो करना है, आपका पैसा आपके कार्ड में सेटलमेंट हो जाएगा। वैसे बहुत कम चांस में ऐसा होता है, वैसे पैसा आपका हो ही जाता है, मेरे केस में हुआ था, दो तीन दिन में हो गया था, मेरे केस में एक बार एक बैंक से हुआ था, 3 महीने लग गए थे, मैंने काफी दौड़ारी किया तो पैसा सेटलमेंट हुआ। तो यहां पे फ्रेंड ये चीजें चल रही है, तो आप अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, रेंट पेमेंट से पैसा बैंक में ले रहे हैं, तो आप कम से कम अमाउंट भेजने की कोशिश करें, बड़ा अमाउंट ना भेजें, बड़ा अमाउंट भेजने पे क्या है कि बैंक खुद ही जो है आपके ट्रांजेक्शन पे रोक लगा के रख रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है और वो फेल्ड हो जा रहा है, काफी केस में हो रहा है। तो यही चीजें हैं, एक भाई का कहानी है अभी जल्दी की, उसने SBI कार्ड से 1,00,000 रुपये का ट्रांजेक्शन किया, पैसा फेल्ड हो गया, रिफंड भी चला गया और बैंक ने कार्ड को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर ही नहीं रहा है, कहानी खत्म, 2,00,000 की लिमिट थी, सब काम बराबर हो गया। अब यहाँ पे कुछ लोग मेरे वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ा हूँ, वीडियो को पूरा देखना, अगर पूरा नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम आप झेलोगे। मेरी हर वीडियो में मैं अपना रिसर्च, अपना रिव्यू आप तक पहुंचाता हूं, मैं लोगों की तरह आधा म्यूजिक लगा के और आधी उल्टी पुल्टी बकचोदी करके कॉमेडी करके मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, काम की बातें करता हूं,
अगर मेरे वीडियो को 5 लोग देखेंगे तब भी मैं काम करता रहूंगा, जो लोग नहीं देखते हैं वो कमेंट करते हैं, मैं पकड़ भी लेता हूं कि मेरी वीडियो को पूरा जो लोग नहीं देखते हैं मैं जान जाता हूं। तो प्लीज भाई वीडियो को पूरा देखें, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बनाता हूं बट काम की वीडियो बनाता हूं, यकीन मानो मेरा खुद का रिव्यू रिसर्च रहता है। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।